हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। यदि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यूजीसी ने नए नियम जो हैं वो लागू किए हैं, जहां पर आप लोगों को पीएचडी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पीएचडी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो है वो अब सीधी जो है वो भर्ती हो जाएगी। पहले जो है वो नियम क्या थे, तो जिन नियमों में बदलाव किया गया, पहले कोई भी सब्जेक्ट था जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, सोशल साइंस है या कोई लैंग्वेज है, फिजिकल एजुकेशन है, ये जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर जो है वो पीएचडी होल्डर जो है वो आवेदन करते थे, ठीक है। तो और उसके साथ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है पीजी में आपके जो है वो 55% मार्क्स जो है वो मांगे जाते थे। बदलाव जो है वो क्या किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो बदलाव कर दिया है कि अब आप लोगों को पीएचडी जो है वो उसकी डिमांड नहीं है, पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो ये एग्ज़ाम होते हैं एमए करने के बाद, नेट, स्लेट और सेट, ठीक है। तो इन एग्ज़ामों में जो है वो अब सीधी भर्ती होगी। एग्ज़ाम जो है वो आप पास करेंगे और सीधी आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यदि आपका सपना सहायक प्रोफेसर बनने का है किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, तो यहाँ पर यूजीसी ने जो ये नियम किया है बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि पीएचडी करने में जो काफ़ी समय लग जाता है, बच्चे जो है वो मन ही नहीं बनाते हैं कि पीएचडी जो है वो लगने में बहुत करने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसी खाली भी रह जाती है। तो एमए अगर आपने कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमएससी कर रखा है सब्जेक्ट में, 55% मार्क्स जो है वो आपके हैं, तो आप जो है वो सीधी भर्ती में जो है वो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। नेट, स्लेट और सेट ये एग्ज़ाम पास करके आप लोग सहायक प्रोफेसर के पद पर सिलेक्ट हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।